गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूं विपिन। नया दिन, नई शुरुआत, और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। एक्चुअली अभी शाम को शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि सुबह ही मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखो, और ये ब्लॉग आज शाम को नहीं तो कल शाम को मैं फिर से अपलोड कर दूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि पहले ब्लॉग करता था मैं दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद मैं अपलोड करता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग अपलोड करना शुरू कर दूँ, शायद उससे मेरी ग्रोथ भी हो जाए और कुछ मेरे को फ़ायदा भी हो जाए। जस्ट आया हूँ मैं जिम, और पहले जिम मारते हैं फिर करते हैं आपके साथ बात। आज है हमारी बाइक और ड्राइव, तो दोनों मारते हैं। सचिन और विशाल नीचे हैं, हमारे साथ एक बंदा और जुड़ चुका है जिम में, उसका नाम है विशाल। विशाल से मिलाएंगे, हमारा बहुत अच्छा भाई है, डिग्री भाई है, उसे भी मिलवाएंगे आज आपको। दे दारू, दारू दे ए भाई, दारू दे ना। वो अबे तूने वो औरत नहीं देखी यार, अभी तो औरत देखेगा वो। मैं कौन सी औरत? एक आती है यार दारू बेचे, उसके उसके मुँह उसके अंत मतलब कभी इसके अंदर से मुँह पवा मिलता है, हाफ ग्लास मिलता है, वीडियो मिलती है, मिक्सर का पैकेट मिलता है वहाँ। Was building on the lecture versus coming daily under pressure working on the plot। अभी हम जिम करके वापस आ गए हैं, मैं सचिन और विशाल। तो विशाल चला गया घर पे अभी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से एमएस से जा रहे थे, मेरा सामान आया था कुछ ऑफिस से, मैं वो लेते जाते हैं, और साथ में पवन को बुलाया। मिलते जा भाई, बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं भी थोड़ा बिजी था, सभी अपने अपने काम में बिजी थे, मिल ही नहीं पाए। अभी आ रहे हैं पवन, मिलते हैं उससे। ये देख सकते हो हमारे अद्भुत किस्म के प्राणी पधार रहे हैं, आधे घंटे से बुलाया इनको, अभी आ रहे हैं। ये अलग ही दुनिया के हैं, इनका कोई अता पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या है क्या नहीं। ये एक एलियन है, एलियन। इनको देखिए ध्यान से गाइस, इनको देखिए कैसे कैसे नशे करते हैं, सस्ते नशे करने वाले आदमी हैं ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन, बस जस्ट अभी उठा सोया हुआ, और अब चलते पहले रोजी को बाथरूम करवाने जाना है, इसको ले चलता हूँ। ये देखो, ये हमारे दो चोर लोंडे आ गए हैं, पवन और ये हमारा महान हस्ती, ये दूसरे और ये देखो, ये दूसरे जहान से एलियन आए हुए हैं, ये दूसरा एलियन हमारा। अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर चलते हैं। लगा दिए तो नहाने में, कौन से चार घंटे लगाए हुए, दो घंटे पहले फोन किया, तीन घंटे हमें यहाँ पे खड़े हो गए, पाँच घंटे हो गए पूरे। अच्छा किसको बैठने दूं, कौन सा? ये देखो मोड़ तो सही है। ये बंदा बोलता कल व्लॉगिंग अभी शुरू की नहीं, बोलता मैं यार अपना चैनल बंद कर दूंगा, अभी व्लॉगिंग ने शुरू की ही नहीं है। देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू हो रहा है, और आज उधमपुर में बारिश वाला मौसम भी है, कितना प्यारा मौसम है। और ये है हाईवे हमारा उधमपुर रैम्पल के आगे, थोड़ा पीछे है सॉरी रैम्पल के, पर यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई साहब, क्या कैड़ा व्यू आ रहा है यार, ये देख सकते हो। यहाँ पे हम नहाने भी आते थे, एक्चुअली नहाने आते थे इस नदी में, हम नहाते हैं गर्मियों के दिन। गर्मियों के दिन आ गए, हम यहाँ का व्लॉग बनाएंगे, एक दिन नहाने के लिए आएंगे जब, उस टाइम बनाएंगे। और ये देखो हमारे व्लॉगर क्या कर रहे हैं, ये देखो देखो व्लॉगर, उड़ते हुए व्लॉगर हमारे। उसे जमाने की बकचोदी पहन रहे हैं गाइस, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा बनाऊंगा ये देखिए, ये बकचोद देखिए, ये देखिए ये वाला बकचोद कैसे बैठे, इसकी लेनी देनी नहीं होती गाइस। ये देखो दूसरे की लेनी देनी, कौन सी ब्लॉगिंग में इतने बड़े बड़े ब्लॉगर देखे, मैंने नहीं देखा आज तक कोई दूसरे की लेता हो। अच्छा अच्छा शूट कर, सबकी अच्छी सी तारीफ कर, मैंने बोला ये कुछ जी किस्म का अजब प्राणी है। ये है बंटी, जिसे आप पहले भी मुझको क्या चेक रहा है खुश नहीं पे। अभी एक्चुअली सॉन्ग की शूटिंग चल रही है, और ये पवन रोहित हम सभी आए हुए हैं यहाँ पे। हम पवन का दोस्त था, कॉलेज फ्रेंड, उसके सॉन्ग की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये शूट स्टार्ट हो गया अभी, ये देखो पहला शॉट है, पहले हो रही है इसकी भाई लोग, ये इसकी बात हो रही है भाई, आइए इसे बंद कर लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया? भाई इसके 2K हो गया फॉलोअर, ठीक है, उसमें से जो है 1.5K जो सोए हुए हैं, बाकी जो है वो लाइक शुरू करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं।
गजब बेस्ती। समझ रहे हो ये करने तेरे को जा ही नहीं है क्या? ये अपना बॉडी बिल्डर बंदा, ये मेरे साथ शर्त लगा रहे हैं कि मैं इस बाइक को नहीं उठा सकता, आज उठा के देखते हैं। लेकिन हमारा बांधी है। ओए, नहीं थोड़ा यार। कोई बात नहीं, उठा। बाना मार रहा है, नहीं 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 सुनना, बाना मार रहा टूटेगा। ये स्टैंड वहाँ भी लगा, स्टैंड वहाँ भी लगा, देखा मैंने गिराएगा ये। वेरी गुड और ऊपर उठा, और ऊपर उठा, और गुड बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आए YouTube चलाते हो? फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे मेरा भी कर दो। हाँ पहले मेरा करो ना, मैं फिर आपका करता हूँ। करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो YouTube पे, वो बोली बोली करवा उंधु पर वाला ब्लॉगर। ठीक है, और कोई बचा? इंस्टा चलाते हो? ये देखो हमारे पवन भाई का भी टाइम आ चुका है शूट का, एक रोल मिल चुका है उनको और पवन कितना खुश है उस टाइम आप देख सकते हो। एक्ट शुरू हो चुका है, ये देख सकते हो। पवन दिखाई थी मैंने, आप हमें बताइए पहले, आपको एक्टिंग करके कैसा लगा? इधर बताइए आप, एक्टिंग करके कैसा लगा आपको? भाई तो मैं ब्लॉगर रोज करता रहता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक्टिंग करते हैं? आप बहुत बहुत ही, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत गुस्से में इस टाइम। आप कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? बताइए सर। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई यार, क्या करना है, क्या करें यार। देखो जो चल रहा है वो चल रहा है। ए बस फैमिली ओके, स्लो स्लो चलना, ठीक है? नहीं रेडी? मैंने भी चलना है। हाँ स्लो स्लो, ठीक है ना? एक्शन गाड़ी फंटा फंटा था। बोल क्या हुआ? पूछा तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हैं ना? बस यही था, हमें खाली अपनी बेइज्जती करने के लिए अच्छे से कर चुके। सॉरी, स्टोरी में टेस्ट था ना भैया, जो टेस्ट था स्टोरी में कि वो पैसे दिए इतने लगे थे, आप कैसे ड्रामा करने के लिए लड़की इंप्रेस करने के लिए इतने पैसे लिए पवन जी आपने? यार तुम्हारी एक पोर्शन ही इतना निराश नहीं होते हैं हम मीडिया में? Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit bro. Yeah, she give me that clean my throat. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one. आप देख सकते हो यहाँ पे हम अपना बचपना याद कर रहे हैं, कितना अच्छा प्यारा और बचपन याद हो रहा है हमारा। नहीं उसके साथ नहीं हुआ। ओ भाई मौज कर दी बेटे। यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग का शूट था, हमारा नहीं हमारे दोस्त का जो सॉन्ग का शूट था, वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बारिश भी पड़ रही थी। भाई मेरे पीछे देखो यार, मौसम कितना प्यारा है, पीछे खेत खलिहान और कितना प्यारा मौसम है, और हमने इंजॉय भी बहुत किया है, फुल मजा किया है। आप वीडियो में देख पाओगे आगे जैसे मैं अपलोड करूंगा, आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। बट यहाँ पे यार क्या मौसम हुआ है यार उधमपुर में, ये इसका एक बेस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना मौसम का कोई पता नहीं लगता। अगर आज गर्मी होगी ना, आज 40 डिग्री होगा ना, कल 15 डिग्री पहुँच जाएगा, और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम रहता है ना। कोई भी यहाँ पे मैंने बहुत सारे व्लॉगर देखे हैं कि आते हैं वो बाहर से निकल जाते हैं, बट अब हम निकले हैं यहाँ से, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जा रहे हैं, वैसे अभी भूख लगी हुई है मेरे को भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैंने सुबह खाना खाया था बट अभी भी भूख लगी है। तो पवन है, बंटी है और रोहित, ये सारे बोल रहे हैं कि हमने भी खाना खाना है, अब चलते हैं, हम खाना खाते हैं तो निकलते हैं फिर। जैसे मैं शूट से वापस आया, घर पे पहुंचा, लंच किया और चुपचाप करके सो गया, सो के जागा।
अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जागा हूँ क्योंकि मेरे को नींद बहुत गहरी पड़ी थी। तो व्लॉग को करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।